सो गाइस अभी मैंने 6 डिवाइसेस अपने पोर्ट्रॉनिक्स के साथ कनेक्ट कर दिए हैं और अब मैं इसका बटन ऑन कर रहा हूँ स्विच का। तो ये सारे डिवाइसेस आप देख सकते हैं, सारे डिवाइसेस जितने भी हैं ये चार्ज होना शुरू हो चुके हैं। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, अगर आप एक ट्रैवलर हो, एक बाइकर हो, एक व्लॉगर हो, बेसिकली अगर आप एक ट्रैवलर हो और आपको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है और जितने भी आपके पास गैजेट्स हैं वो आप हमेशा अपने साथ कैरी करते हो, बट आपको एक ही प्रॉब्लम आता है उन सबको एक साथ चार्ज करने में, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या होता है ना गाइज, जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास जितने भी गैजेट्स होते हैं वो हम हमेशा अपने साथ ही लेके चलते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब भी मैं राइड पे जाता हूं तो मेरे पास जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी मेरे ट्रैवलिंग के बीच में मुझे गैजेट्स लेके जाने हैं वो मैं सारे लेके जाता हूं। और जब भी राइड पे जाता हूं तो अपना गोप्रो, अपना एसजे कैम और अपना फ़ोन, अपना ड्रोन हमेशा राइड के बीच में वो चार्ज करता रहता हूँ और उसमें मेरी हेल्प करता है सबसे ज़्यादा मेरा ये पावर बैंक, जिसकी हालत ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है आप देख लो, और ये मेरा पूरा सपोर्ट करता है मेरी पूरी राइड के बीच में। बट जब तक मैं होटल रूम में पहुँचता हूँ किसी भी होटल में, तो तब तक इसकी जो बैटरी होती है वो बिल्कुल डेड हो चुकी होती है और मेरे जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी मेरे गैजेट्स होते हैं इनकी भी बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी होती है। तो होटल रूम में जाते ही सबसे पहले मुझे देखना पड़ता है कि कितने सॉकेट्स हैं रूम के अंदर कि मैं अपने जितने भी गैजेट्स हैं मैं चार्ज कर सकूं। आई एम श्योर आप भी यही करते होंगे जैसा मैं करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको गैजेट्स बता देता हूं मेरे पास क्या क्या गैजेट्स हैं और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सारे गैजेट्स एक साथ चार्ज करने में प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको बता देता हूं गाइस, एक तो है मेरे पास गोप्रो हीरो 5, ये है SJ 4000, एक है मेरे पास ये SJ 7 Star, एक है मेरे पास ये चार्जर SJ कैम का ही, एक ये है मेरे पास ड्रोन, एक ये है ऑब्वियसली मेरा पावर बैंक और एक ये है मेरा ब्लूटूथ इंट्रोकॉम मेरे हेलमेट के लिए। तो गाइस ये सारे डिवाइसेस हैं जो मुझे सारे होटल रूम में जाते ही चार्ज करने होते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि इतने सॉकेट नहीं मिलते किसी भी होटल में कि मैं सारे डिवाइसेस एक साथ चार्ज कर सकूँ, तो मुझे लाइन वाइज इनको चार्ज करना पड़ता है। या तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि एक्सटेंशन आते हैं आजकल मार्केट में बहुत सारे, बट उनका दो ड्रॉबैक है। एक ड्रॉबैक तो ये है कि वो पोर्टेबल नहीं होते, उनको इजीली आप कैरी नहीं कर सकते क्योंकि कई लंबे आते हैं, कोई राउंड शेप में होते हैं, तो उनको बैग्स में डालना, हमेशा कैरी करना इतना इजी नहीं होता। और दूसरा उनका जो ड्रॉबैक ये है कि आपको अपना जो पावर अडैप्टर होता है वो हमेशा कैरी करना होता है। जैसे अगर मेरे पास 5 डिवाइसेज हैं तो मुझे 5 अडैप्टर चाहिए होंगे उस एक्सटेंशन के अंदर डालने के लिए। और आपको सबको पता है कि USB केबल तो सब गैजेट्स के साथ आती है पर वो जो अडैप्टर होता है वो हर एक के साथ नहीं मिलता। तो ये तो मेरे 2 ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिए। तो पिछली राइड पे जाने से पहले जब मैं ढूंढ रहा था गूगल पे कि ऐसे मैं कौन सा इक्विपमेंट या ऐसा कौन सा गैजेट परचेज कर सकता हूँ ताकि मेरे जितने भी एक चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, तो कोई गैजेट मुझे 7000 का, कोई 4000 का, कोई 5000 रुपीज़ का ट्रैवलिंग गैजेट मिल रहा था जो मैं चार्ज कर सकूँ। बट मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं 5000-6000 रुपीज़ एक ट्रैवलिंग चार्जर के ऊपर इतना इन्वेस्ट करूँ। और जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो लगा मिवी का, वो अराउंड 2000 रुपीज़ का था, उसके अंदर भी मैं 4 से 5 गैजेट्स अपने चार्ज कर सकता था, बट स्टिल वो 2000 रुपये मुझे बहुत भारी पड़ रहे थे कि 2000 रुपये एक ट्रैवलिंग चार्जर के ऊपर इन्वेस्ट करना कितना सही होगा। एंड फाइनली आई एंड अप फाइंडिंग दिस प्रोडक्ट, ये है पोर्ट्रॉनिक्स का UFO चार्जर। और सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको इसका ये बता दूँ, इसका साइज़ ये इतना पोर्टेबल है कि मैं इसको कहीं पर भी अपनी पॉकेट तक में डाल सकता हूँ, इसको मैं अपने ट्रैवलिंग बैग में डाल सकता हूँ, अपने टैंक बैग में डाल सकता हूँ, और इसका वेट बिल्कुल भी नहीं है, इसको कैरी करना बहुत ईजी है। और दूसरा जो मुझे इसका बेनिफिट लगा वो ये है, इसके अंदर 6 USB पोर्ट्स दे रखे हैं, दैट मीन्स आप एक साथ अपने 6 डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं, तो है ना एकदम कूल सी चीज़। और दूसरी कूल चीज़ मैं आपको बता दूं तो ये है कि इसका प्राइस खाली मैंने इसको परचेज किया है 750 रुपीज़ में। अभी मुझे नहीं पता अमेजोन पे इसका क्या प्राइस है, इसको मैंने ऑलमोस्ट 4 महीने पहले ख़रीदा था अपनी लद्दाख राइड पे जाने से पहले। ऐसा नहीं है कि मैं उसी समय परचेज़ करके उसका मैं बस वीडियो आपको दिखा देना चाहता था, मैं चाहता था एटलीस्ट मैं कम से कम इसको 3 से 4 महीने यूज़ कर लूँ और उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूँ कि ये वर्थ भी है 750 रुपीज़ का, और तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाना चाहता था। तो चलो गाइस एक बार मैं सेटअप करके आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है और इसके साथ मैं सारे अपने डिवाइसेस कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अभी मैंने 6 डिवाइसेस अपने पोर्ट्रॉनिक्स के साथ कनेक्ट कर दिए हैं और अब मैं इसका बटन ऑन कर रहा हूँ स्विच का। तो ये सारे डिवाइसेस आप देख सकते हैं, सारे डिवाइसेस जितने भी हैं ये चार्ज होना शुरू हो चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 लाइटें ऑन हो गई हैं, इसका मतलब है ये 6 के 6 वर्क कर रहे हैं और इनके अंदर जितनी भी पावर है सबके अंदर ये पावर जा रही है।
एक बार फिर मैं इसका मेन सॉकेट ऑफ करता हूँ और ये देखिएगा ये 6 की 6 लाइट जो है वो ऑफ हो जाएंगी। ये देखिए ऑफ हो गई, इसका मतलब ये जितने भी गैजेट्स हैं ये सारा चार्जिंग होना बंद हो चुका है। अब मैं फिर एक बार ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने ऑन किया और ये मेरे जितने भी गैजेट्स हैं ये सारे ऑन हो चुके हैं और ये चार्जिंग होना शुरू हो चुके हैं। और मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 1.5 से 2 घंटे लेगा और ये जितने भी मेरे डिवाइस हैं एक्सेप्ट दिस पावर बैंक ये सारे चार्ज हो जाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे के अंदर। सो ये बेनिफिट है इस पोर्ट्रॉनिक्स UFO चार्जर का। सो गाइस देखा ना कितनी काम की चीज़ है ये, छोटू सा डिवाइस है और कितना हैंडी है और कितना परफेक्ट है हम जैसे ट्रैवलर्स के लिए। और कोई भी व्लॉगर या कहीं पर भी कोई घूमने जाता है, ज़रूरी नहीं है ट्रैवलर ही हो, हमेशा कहीं पर भी जा रहे हैं अगर आपके पास डिवाइस है तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा ये पोर्ट्रॉनिक्स का UFO चार्जर आप परचेज कर सकते हो। और इसके प्रोज ही प्रोज मुझे दिखे अभी तक, इसका कौन मुझे दिखा नहीं। प्रोज तो यही लगा है, पहला प्रो तो यही कि इसका प्राइस फैक्टर ओनली 750 रुपीज़। दूसरा प्रो जो मुझे सबसे अच्छा लगा इसके अंदर 6 पोर्ट्स दे रखे हैं जो इस रेंज के अंदर किसी भी चार्जर के अंदर नहीं आता है। सो गाइज दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर अ बायर अगर 750 में आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। मैं आपको गाइज डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, अगर आप वहां से परचेज करना चाहें तो वहां से भी परचेज कर सकते हैं। रिव्यूज़ आई एम श्योर आप वहाँ पर भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे लगेंगे। और अगर मेरे पे भी थोड़ा सा ट्रस्ट है आपको तो मैं तो बोल ही रहा हूँ आपको प्रोडक्ट अच्छा है, 750 रुपीज़ इन्वेस्ट कीजिए, आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और मैं बहुत कम ही ऐसे टेकी वीडियोस बनाता हूँ, बट जब बनाता हूँ तो अपने जब तक मैं 100% खुद श्योर नहीं होता तब तक मैं आप तक नहीं पहुँचाता वीडियो। और बस इतना ही था गाइस आज की वीडियो में, आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा तो यहाँ तक देख लिया गाइस तो थम्स अप जरूर दे देना। चलो गाइस मिलते हैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइट हार्ड राइट सेफ, दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। अरे 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 एक और चीज़, ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, मतलब किसी को किसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है वीडियो, है ना, शेयर करना बनता है। बाय।